हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीजा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, इंतखाबात का साल है, जहां इस बात की ज़रूरत है कि इदारे एक दूसरे से तआवुन करें और इलेक्शन के लिए राह हमवार करें, वहीं इदारे आपसी तनाज़ात में उलझे दिखाई देते हैं और सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह कहा कि 40 साल में हमें बताएं आप कि आपने क्या किया हमारे साथ। हमेशा आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छोरा घोपा, तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो सकती। फिर हम किसके साथ भी मिलकर हुकूमत बनाएं, आपके साथ नहीं बनाएं। दूसरी जानिब आज सुबह एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ ने अपनी तोपों का रुख चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब रखा। नवाज शरीफ का कहना था कि लोग नस्लों से फैसलों का इंतजार और चीफ जस्टिस दूध की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, पार्लियामान और मुकन्ना की जरूरत नहीं, सारा काम चीफ जस्टिस के हाथ में दे देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, मुल्क अंग्रेजों से आजाद करवाकर मार्शल लॉ में कैद कर दिया गया, एक मकरूह खेल खेला जा रहा है, अंदर की कहानी नहीं जानता, लेकिन आसिफ जरदारी जो काम कर रहे हैं वो शर्मनाक है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस को अपनी सफों से भी बगावत का सामना है। कुहाट डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज अहमद सुल्तान तरीन ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत जमा कराई है, जिसके चेयरमैन खुद चीफ जस्टिस हैं। शिकायत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के मौजूद तर्ज अमल ने इनमें जज की खसूसियात और काबिलियत ना होने को वाजे कर दिया है, वही खसूसियात जो 2009 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से जारी किए गए कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आर्टिकल 2 में बताई गई है। शिकायत कुनिंदा ने यह भी लिखा है कि हाल ही में चीफ जस्टिस ने अपने चेंबर में वजीर आजम से मुलाकात की, जिसका एजेंडा भी नहीं बताया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज ने हल्का बंदियों के अमल को मुतनाज़े बना दिया है। उन्होंने पार्लियामानी कमेटी के वर्किंग ग्रुप के जरिए ये सिफारिश की है कि मुतनाज़ा हल्का बंदियों का नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। दीगर सिफारिशात में कहा गया है कि पुरानी हल्का बंदियों के इलेक्शन के लिए आइन में तरमीम लाई जाए। इस मामले में अक्सर खामोश रहने वाली इलेक्शन कमीशन को भी बयान देना पड़ा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी और एजेंसी या इदारे को हमारे काम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। इधर एहसन इकबाल ने भी दानियाल अजीज की सिफारिशात के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट मंजूर नहीं की, गैर जरूरी तनाजात को उभार कर कुछ अनासर इलेक्शन में ताखीर के लिए ईंधन फराहम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सफों में हल्का बंदियों को लेकर अभाम क्यों, और अगर हल्का बंदियां मुतनाज़े हो जाती हैं तो क्या इलेक्शन वक्त पर हो पाएंगे, ये पूछेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, तहरीके इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब, MQM पाकिस्तान से अली रज़ा आब्दी साहब, और तज़िया के लिए हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन साहब। सबसे पहले जी आपसे शुरू करती हूँ, ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है जिसके ऊपर एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नासिर हैं जो इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं, तो उनका इशारा दानियाल अजीज साहब के ऊपर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मनीजा, उनका इशारा दानियाल की तरफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं और जिस तरह के इशूज़ आ रहे हैं सामने, उसमें लगता है कि देर आर थिंग्स विच आर मूविंग के डिले हो जाए इलेक्शन। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इलेक्शंस को हमने डिले नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस को अपने टाइम में होना चाहिए। हाँ, हमें रिजर्वेशंस हैं, जो डिलिमिटेशंस हुई हैं उन पे बहुत, आपने देखा है आज अखबार में द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स द इलेक्शन कमीशन हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने जो कहा कल आखिरी दिन था, तो 1200 से ऊपर 1200 से ऊपर की कंप्लेंट्स हैं। तो मतलब ऑल दैट शोज़ के जो ये हुई हैं हल्का बंदियाँ, ये देखें जो स्टेक होल्डर है, मैं नहीं कहती कि उसको ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन लोगों ने अपने हलकों में काम किए थे, हमने डेवलपमेंट्स की हैं, हमने लोग जो उस हलके के होते हैं वो रابطे में होते हैं अपने मेंबर से, और उनके ग्रीवियंसेस को भी सॉर्ट आउट किया जाता है। ये नहीं कि
इट्स नॉट देयर ड्यूटी कि वो पूरे सब लोगों की करें, बट एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है विद द पीपल ऑफ द हलका. तो उसमें जो अब आई हैं और एक इतनी लेट ये हुई हैं, अगर यही काम करना था और ये होना था तो ये पहले भी हो सकता था कि लोगों को पता होता है, एंड बिल्कुल एक महीना पहले इलेक्शन से, दो महीने पहले इलेक्शन से आप उनको बता रहे हैं. और आपको मैं बताऊं कि हलके टोटली डिस्टॉर्ट हो चुके हैं. तो एक मेंबर चाहती क्या है कि करंट सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन के ऊपर इलेक्शंस हो वाजे, आपकी क्या इस वक्त राय? हम तो पोजीशन क्या है? देखिए, मुझे अभी पार्टी का स्टांस आए मतलब होगा, लेकिन व्हाट आई फील के व्हाट वी वांट और व्हाट ऑल मेंबर्स वांट के पुराने सेंसस जो पुराने हलके हैं उन पे इलेक्शन होना चाहिए. पुराने हलके या पुराने सेंसस जो मतलब सेंसस, अब देखें यही कन्फ्यूजन है, ये लीगली वील हैव टू सी के वेयर वी स्टैंड और क्या होता है, क्योंकि वरना सेंसस की वो जो एक्सरसाइज है वो क्यों हुई, क्योंकि देखें कुछ पंजाब की सीट्स भी इसमें कम हुई हैं, तीन पंजाब की सीटें कम हुई हैं, हालांकि पंजाब हैज लॉस्ट आउट हाँ. तो अली मोहम्मद साहब बड़ा दिस हैज टू बी आई डोंट नो, ये स्टेज पे आके इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज होना अच्छा है इस बात के लिए कि नहीं कि इलेक्शंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर. अली मोहम्मद साहब जो वर्किंग ग्रुप है उसके अंदर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो वाज़े राय आ गई है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो वर्किंग ग्रुप है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनकी सिफारिशात को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि जो भी वर्किंग ग्रुप ये सिफारिशात दे रहा है वो शायद नहीं चाहते कि इलेक्शन वक्त पे हो, बल्कि उन्होंने कहा कि नून लीग नहीं चाहती इलेक्शन वक्त पे हो. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. देखिए, जो हर 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 एक डिस्कशन की एक बेस लाइन होती है जिसके इर्द गिर्द गुफ्तगू होती है. फॉर एग्जांपल, अगर कश्मीर है तो बेस लाइन ये कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए हिंदुस्तान के कब्जे से. अब उसके गिर्द आप गुफ्तगू करें, आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करें. ये जो डिस्कशन है डिलिमिटेशंस की और इलेक्शंस की, इसमें जो बेस लाइन है वो क्या है? इलेक्शंस. बेस लाइन ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि देयर शुड बी नो डिले इन द इलेक्शंस, इलेक्शन में डिले ना हो. अब उसके इर्द गिर्द आप डिस्कशंस करें, आप आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करें. देखें, जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन अब ये बड़ा एक ट्रिकी सा सिचुएशन बन गई है, क्योंकि ये जो मौजूदा डिलिमिटेशंस हैं, आप आज भी जाके इलेक्शन कमीशन में देखें, बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में उस पर जो है वो अपना ऑब्जेक्शन आ गई हुई हैं. तो अगर आपने इन्हीं डिस्टर्ब डिलिमिटेशंस के साथ इलेक्शन में जाना है तो वो फिर मसला होगा, वो बहुत से लोग फिर उस पर एहतजाज भी करेंगे, मसाइल भी पैदा होंगे. हमारे अपने बहुत से पीटीआई के लोग जो हैं उनको एतराज़ात हैं. लेकिन अगर आप उस पुराने पे जाते हैं कि यार ये डिलिमिटेशन मसला बना रहे हैं, लेट्स गो टू द ओल्ड सेंसस. तो जो ओल्ड सेंसस पे आप जाएंगे डिलिमिटेशन के लिए, तो फिर सवाल ये उठेगा कि क्या सेंसस को वो रखें डिलिमिटेशन ये रखें? वो तो हो नहीं सकता. देन यू विल गो बैक टू द प्रीवियस डिलिमिटेशन. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चाहे कुछ भी मसाइल हों, इलेक्शंस में डिले जो है वो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है, मसला होगा. ठीक है अली साहब, आपकी भी राय जानना चाहूंगी, बल्कि ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो एमक्यूएम है उसका मौकफ क्या है. मुझे मालूम है कि सेंसस के हवाले से उनको बहुत सारे तहफ्फुज़ात थे, वो कोर्ट्स का भी उन्होंने रुख इख्तियार किया, मगर फिर मामला हल भी हो गए थे एक कमिटी के अंदर. अब ये बताइए कि अब जो सिचुएशन है डिलिमिटेशन के हवाले से, एमक्यूएम क्या चाहती है, पुराने हल्के बंदियों के तहत हो या नए हल्के बंदियों के तहत? बहुत शुक्रिया मुनीसे. देखिए, जब ये सेंसस होल्ड किया था तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कराया गया था. अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें और अपोजिशन पार्टीज़ इस पे एक जगह पे इत्तफाक नहीं कर सक रही थी कि वो सेंसस होल्ड कर लें. बहरहाल अब ये सेंसस हुआ, और जिस तरीके से, मैं तो सिंध की बात करूँगा खसूसन अपने इलाकों की, कि जहाँ से हमारा वोट बैंक है, इधर तो खुलेआम ज्यादती हुई है. 2012 के जो ब्लॉक्स यहाँ पर बनाए गए थे जिसमें 4.5 अरब रुपये लगे भी थे, उसके तहत अब जब 2017 में जाके सेंसस हुआ तो जो बहुत सारे इलाके डेवलप हो गए थे या फिर लोग शिफ्ट हो गए थे या बिल्डिंग्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी कंप्लीट हो गई थी उनको उसमें काउंट नहीं किया. और हमारा ये रिजर्वेशन था जिसपे हमने ब्लॉक्स काउंट पे ही पिटिशन बिफोर दिस एक्सरसाइज ऑफ सेंसस सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी. एमक्यूएम का क्या मैं बता रहा हूँ जी,
हाँ, लेट मी टेल यू, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे पीबीएस ने डिलिमिटेशन सेंसस किया, उसके बाद जो डिलिमिटेशन की, हम इसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़ बहुत सारी इतराज़ात जमा कराए गए हैं, और ये आप देखिएगा कि ये 1200 इतराज़ात जो है, ये एक महीने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं एड्रेस कर सकेगा, और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो इसको रिमूव भी करेगा या फिर ख़त्म भी करेगा तो वो फिर कोर्ट्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो सकता है। इसका हल बता सकता हूँ आपको कि इसको कैसे हल किया जा सकता है, जिसमें सारी पार्टीज इत्तेफाक राय से बैठ सकती हैं। देखिए, नेशनल असेंबली में हमने एक बिल जमा कराया है आर्टिकल 51(5) की अमेंडमेंट का। उस अमेंडमेंट में साफ साफ ये कहता है, वो ये कहती है अमेंडमेंट, कि जहाँ पे आप डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेस पे करते हैं, उसके बजाय आप रजिस्टर्ड वोटर के बेस पे कर लें, जो कि ऑथेंटिक और वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, उन वोटर्स के हिसाब से अगर हल्का बंदियाँ कर दी जाएँ तो दैट शुड बी फेयर, और वो हर पूरे पाकिस्तान में इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स के साथ होगी। अली साहब, वी कैन नॉट गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। अब आप लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर कंसेंसस कर दिया था कि 1% इलेक्शन ब्लॉक्स के ऊपर आप रैंडमली जो है फिर से सेंसस कर सकते हैं। 5% को चेक कराएंगे, 5% का था, 5% वो एक्सरसाइज भी नहीं हुई, वो भी पार्लियामेंट की जो नेशनल असेंबली और सेनेट में, इसमें सारी पार्टीज ने इत्तेफाक किया था, वो एक्सरसाइज, वो ऑडिट भी नहीं हुआ, तो ये भी क्वेश्चन मार्क कर सकता है, इसकी वजह से भी कोर्ट में हम जा सकते हैं। अच्छा, जैसा अब तीन पार्टीज का मौकफ आपने सुन लिया, एमक्यूएम वाले तो कह रहे कि जी हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि ये मसले हम हल कर सकते हैं, मई तक हम ट्राइब्यूनल्स बिठा देंगे और ये मसले हल हो जाएंगे। ट्राइब्यूनल से क्या अब ये चीज़ें कोर्ट में चली जाएंगी, और अगर कोर्ट में चली जाएंगी तो जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके ऊपर क्या असर होगा? मुझे नहीं लगता कि ट्राइब्यूनल का जो काम होगा वो उसके बेसिस पे कोई कोर्ट में जा सकेगा। अच्छा, और ये एक महीने में ये काम वो ख़त्म कर देंगे, और ECP के पास कंपिटेंसी है, और जो उन्होंने प्रोसेस जो शुरू किया ECP ने, वो इलेक्शन होल्ड करने के लिए इन टाइम, और जैसे कि आपने सुना सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, एक्सेप्ट फॉर MQM का कोई मुझे कंप्लीट वो ये नहीं लगा डिसीजन कि वो आया इलेक्शन टाइम पे चाहते हैं या इलेक्शन ही पोस्टपोन हो जाए, ये समझ नहीं आया मुझे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI तीनों चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए। देखें, इलेक्शन जब भी होंगे, ये एक हिजानी टाइप की सिचुएशन मुल्क में होगी, और साथ साथ न सिर्फ इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि इलेक्शन हो रहे हैं एक नए सेंसस के बेसिस पे, जो तकरीबन 20 साल के बाद हुए हैं, और उसके बाद डिलिमिटेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे पंजाब में 3 सीटें कम हो गई, इसका मतलब यही है कि जो ब्लॉक्स बने हैं वो तकरीबन वो ट्रेडिशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बहुत से गायब हो चुकी होंगी, न सिर्फ वहाँ हुई होंगी बल्कि बलूचिस्तान में भी होंगी, KP में भी होंगी, सिम में भी होंगी। तो ये एक नई सिचुएशन है, और जब ये सारे पॉलिटिशियन चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो जाए, तो आई थिंक ये वक्त पे ही होंगे और नई सेंसस के मुताबिक, नई सेंसस के मुताबिक होंगे, और डिलिमिटेशन जो हो चुकी है उसके बेसिस पे कि ये हैंडल ECP कर लेगी, उनमें इतनी कैपेसिटी है टू हैंडल दिस, तो अगर वो कर लेते हैं, और बट वही बात मैं तो बार बार कह रही हूँ कि वी वॉन्ट इलेक्शन इन टाइम। मगर एक जो ज़िया साहब ने सवाल किया है, अली साहब मैं चाहूँगी कि आप क्लियर कर दें, क्या MQM चाहती है कि इलेक्शंस वक्त पर हों? उनकी पार्टी थोड़ी डिस्टर्ब, बेशक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है कि इलेक्शंस वक्त पर हों, लेकिन साफ शफाफ हों, इस तरह के ना हो कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके, जैसे डिलिमिटेशंस कराची, हैदराबाद और सिंध के एरियाज़ में, खसूसन अर्बन एरियाज़ में की गई है, उसमें जो इतराज़ आते हैं वो एड्रेस हो जाएं, उसके बाद बेशक वो इलेक्शंस ऑन टाइम। नहीं, मगर अगर इलेक्शंस ट्राइब्यूनल का इस वक्त तो ऐसा लग रहा है ना जी, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। नहीं, मगर इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्शंस होंगे वो पुराने हल्का बंदियों के ऊपर नहीं होंगे, वो नए हल्के बंदियों के ऊपर होंगे, नए सेंसस के ऊपर होंगे, तो फिर अगर वो हो गए इस तरह इलेक्शंस तो वो आपको काबिल कबूल होंगे?
देखिए नया हलका बंदियों पे ही होने हैं इलेक्शंस अगर होंगे, लेकिन जो हमारे इतराजात हैं उसमें कुछ चार्जेस जो इश्यूज हमें आए हुए हैं वो और कुछ सर्कल्स के इश्यूज हैं वो हमने उसमें बाकायदा मेंशन किए हैं, उसकी रीजनिंग भी दी है एंड वी होप कि ईसीपी उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके हिसाब से रीड्रॉ करेगा। अगर ईसीपी नहीं करता तो फिर वी हैव द राइट टू गो टू कोर्ट ऑल्सो फॉर इट, और ये इसमें सजा पोलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलेगी। इसमें देखिएगा कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट को इलांगेट करने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, एक सीड बोया गया है जिसपे ये पॉलिटिकल पार्टीज आज बेशक कह रही हैं कि जी हम इलेक्शंस टाइम पे चाहते हैं, लेकिन जब डिलिमिटेशन उन्होंने जो बात की है इसका बिल्कुल इम्कान है, खदशा बिल्कुल है कि अगर ये मामला तूल पकड़ते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो अपने टाइम पे आना है ना, एट द एंड ऑफ मे ये टर्म जो है ख़त्म हो जानी है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो अपने टाइम पे आ जाना है, लेकिन अगर ये मामला तूल पकड़ते हैं तो फिर देर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि वो टाइम पे खुदा ना खास्ता ना हो। लेकिन अब यहाँ पे एक एक चीज़ मैं ज़रूर रखना चाहूँगा सामने, जी फूड फॉर थॉट है जी, कि हु आर द बिगेस्ट लूजर्स अगर इलेक्शन टाइम पे ना हो। हम समझते हैं तरीके इंसाफ हम लोग हैं, क्योंकि अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वी फील दैट वी आर गवर्नमेंट इन वेटिंग। सबसे ज़्यादा स्टेक्स हमारे हैं और सबसे ज़्यादा लूजर हम होंगे अगर इलेक्शन टाइम पे ना हो। इलेक्शन कमीशन ने अपना डे टू डे कैसे रन करना है, गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट, लेकिन उसके लिए मुतय्यन करना रास्ता किसने करना है वो हुकूमत वक्त का काम होता है। किसी ने इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट को वोटें नहीं दी, वोटें हुकूमत वक्त को दी होती हैं। अब अगर ये हुकूमत ये सवाल कर रही है जो मैडम बात कर रही हैं मलिक साहिबा, मेरा सवाल हुकूमत से, वे वर यू, आप अचानक यू कम आउट ऑफ स्लम्बर, आप नींद से जाग गए, आपको नहीं पता था इलेक्शन होना है, आपको नहीं पता था मुझे क्यों निकाला कि आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, बेशक करें वो आपका हक है करें, लेकिन हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद थी ना और मौजूद है, हुकूमत ने क्यों इस चीज को सरफे नजर किया। ये डिलिमिटेशन के मसाइल आज से तो नहीं पैदा हुए। अच्छा ठीक है, दैट्स अ फेयर क्वेश्चन, दैट्स अ फेयर क्वेश्चन, अगर आपकी इजाजत हो तो शायस्ता इसका जवाब दे दें। जी देखिए, मैं अपने भाई ने कहा कि हुकूमत स्लम्बर में थी और ये थी, आप मुझे मुनीजे बताएं कि इन लोगों ने सीरियस काम हुकूमत को, मेरा ख्याल 6 महीने बाद से दे आर अप इन धरनाज, लॉकडाउन ब्लॉक कर रहे हैं, एम्पायर का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग, जो इन ये 4-4.5 साल गुजरे, गॉड नोस के ये कितनी, इनको भी पता है असेंबलीज़ में क्या होता रहे, कमिटीज़ में किस तरह, ये भी है, ये भी तो पार्ट ऑफ द असेंबली है ना। ऑपोजिशन ने, अगर हम स्लम्बर में थे तो इनका काम सिर्फ धरनों का था, इनका काम सिर्फ लॉकडाउन का था, इन्होंने क्यों नहीं प्रेशर बिल्डअप किया विद इन दी असेंबली इंस्टेड ऑफ बाहर, जो काम बाहर इन्होंने किए। तो अब ये इस बात पे हंसते हैं, लेकिन टाइम गुजर के ईच वन ऑफ अस इज टू बी ब्लेम्ड, और हमसे अगर हम हमारे पे जितनी जिम्मेदारी है ऑपोजिशन पे भी उतनी ही थी, और इनका भी काम था कि ये मिलके करते और आगे लेके इस बात को चलते, लेकिन मतलब ये कमेटी में आए, ये कितनी कमेटी, मगर जो हो गया इन्होंने, ये बात आपकी सही है, जो हो गया सो हो गया, अब नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस डिले ना हो, और ये अपने आप को कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट इन वेटिंग, तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा चाह रहे हैं, वी थिंक कि वी हैव ऑल द चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट अगेन, तो हम चाहते हैं इलेक्शंस। सारी सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शंस चाहती हैं, मगर जो अली रजा साहब कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि डीलिमिटेशंस के बहाने केयर टेकर को ज्यादा लंबा कर दिया जाए। मुझे नजर नहीं आता है कि ये है फियर, लेकिन जो हालात पाकिस्तान के हैं, रीजन के हैं, इंटरनेशनली, मैं नहीं समझता कि किसी केयर टेकर गवर्नमेंट में इतनी एबिलिटी होगी कि इन चीज़ों को फेस कर सकें, अनलेस इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट विद ए मैंडेट। देखिए इस वक्त जो है ना, स्पेस किसी एक के पास नहीं रहा है, जो कुछ भी था एक इंस्टीट्यूशन के पास स्पेस, वो इरोड हुआ है। देखिए सोशल मीडिया के मतलब कहते हैं ना, सोशल मीडिया ने काफ़ी स्पेस ले लिया है, दूसरी तरफ ये जुडिशरी ने भी अपना काफ़ी स्पेस लिया हुआ है, तो ये इस वक्त जो है ना किसी एक के पास पूरी स्पेस नहीं है कि वो कंट्रोल करे चीज़ को। तो मेरा ये ख्याल है कि ये है फियर, हो सकता है कि कोई इन्हें जिसको कहते हैं ना कि कम अकल वाला आदमी बैठकर ये सोच रहा हो कि मैं ये कर दूं तो सारी चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस होगा अगर वाकई ये डिले किया जाए इलेक्शन को यूजिंग द केटेगरी गवर्नमेंट। और इसके अंदर अली रजा साहब, एमक्यूएम, पीटीआई और
खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कह चुकी है कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं और केयर टेकर आके बैठी है, बल्कि राणा सनाउल्ला साहब ने कहा, तो फिर तो हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ भी चले जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, अगर केयर टेकर डिले कर दिया जाए तो फिर क्या इस मुल्क के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी होके कर सकती हैं एहतजाज? देखिए, यही मसला है कि सियासी जमातें मिनिमम कॉमन एजेंडास पे इकट्ठी नहीं होती है। हम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तो ज़रूर लगाते रहते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इदारे होते हैं वो सारे एक जगह पर होते हैं। तो ये डिसिप्लिन का फुकदान है। आई डाउट कि अगर कभी डिले होता भी है और इलेक्शन कमीशन अगर केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप इंक्रीज भी करता है, एलोंगेट भी करता है, आई डोंट थिंक कि कुछ पार्टीज़ या साथ मिलके भी खड़ी हो सकती हैं इस पे, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई उस केयर टेकर गवर्नमेंट में होगा और उसके हिसाब से उसका मतलब भी चल रहा है। आई डाउट देयर विल बी एनी रेजिस्टेंस, या फिर प्रेशर्स होंगे या फिर खौफ होगा जिसकी वजह से वो नहीं आ सकेंगे सामने इतना आराम से। अभी भी बहुत अच्छा इसका हल है और ये विद इन अ मंथ ये न्यू बाउंड्रीज ड्रॉ हो सकती हैं। फौरी तौर पे हमारा बिल जमा हुआ है, सारी पार्टीज मिल्क पे उस पर पॉपुलेशन को वोटर्स पे लेके आ जाएं, इट विल बी ऑथेंटिक, वेरीफाइबल, एक्सेप्टेबल टू एवरी सिंगल पर्सन। वो बिल पड़े हैं हमारी बाकी पार्टीज, टू थर्ड मेजोरिटी उनके पास है, पीटीआई है, एमक्यूएम है, हम सब मिलके इसको पास करा सकते हैं। इसी तरह सेनेट में भी पास हो सकता है और फौरी तौर पे जैसे हमने प्रोविजनल रिजल्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को मैंडेट दिया था कि वो लाइंस रीड्रॉ करें, इसके तहत भी वो वोटर के बेसिस पे वो रीड्रॉ कर सकते हैं एंड दैट विल बी इफेक्टिव फॉर पाकिस्तान एंड दैट विल बी सेट द बेस, दैट विल सेट द बेस फॉर प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रांग पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन जो है ना, इस वक्त इलेक्शन जैसे ही इलेक्शन शुरू होंगे ना, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा, पार्लियामेंट नहीं कर सकती है काम। तो अब तो पार्लियामेंट ये काम के पास ये अख्तियार ही नहीं रहा अली साहब। नहीं नहीं, अभी 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 पार्लियामेंट के सेशंस बाकी हैं, अभी पार्लियामेंट के सेशंस हैं, दो सेशंस बाकी हैं, एक तो बजट से पहले, अभी एक उसके बाद भी आपके पास टाइम है। आई मीन रीड दैट बिल दैट वी हैव सबमिटेड एंड देन टॉक टू योर लीडरशिप एंड लेट्स डू इट। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो। देखें, अब मुझे नहीं, आपका मुझे नहीं पता ये किस फॉर्म में, ये अभी कमेटी के पास है कि ये अभी किधर है ये बिल इनका? ये प्रेजेंट हुआ है, ये प्रेजेंट हुआ है, इट कैन बी पास्ड इमीडिएटली इन द असेंबली, देयर इज अ होल details with it and it's available with the secretariat. But इन्होंने lobbying की है कि विद और अदर पार्टीज आल्सो से कहूंगा। हां, ये अकेले तो नहीं आप बिल पास कर सकते ना, आप कमेटी में या उसमें? नहीं, नून एमकेएम और पीटीआई अगर कर दे तो दैट्स इनफ, वी कैन डू इट। अच्छा, दे डोंट एक्सपेक्ट कि पीपल्स पार्टी को? नहीं, आई डाउट वैसे। अब इट्स अगेंस्ट द रूल्स, ये देखिए ना, पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन तो बहुत कम रही है, वोटर्स की बेसिस पे कभी हुई नहीं कहीं भी। सर, रूल्स तो हमने बनाने हैं ना, नेशनल असेंबली ने बनाने हैं, लेजिस्लेचर ने बनाने हैं रूल्स, वो उनके बेसिस पे आप कैसे, और आप फिर से रीड्रॉ नहीं कर सकते, एक नई वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक। अली साहब, आपका इसके ऊपर क्या राय है? इट्स अप टू यू। देखिए, अली मोहम्मद साहब, सो लेट डाउन। अच्छा, अली, इस वक्त इतना लेट जो है, इतना सो लेट डाउन द डे व्हेन यू हैव गॉट, अभी आपका बजट सेशन भी आ रहा है, बजट है तो बजट सेशन में आप नॉर्मल लेजिस्लेटर वर्क, लेजिस्लेशन वर्क तो कर नहीं सकते। यू हैव गॉट अराउंड एक महीने का शायद आपके पास क्वेश्चन है, उसमें आई डोंट नो के वो कोई ऐसा साजगार माहौल है कि पीटीआई और नून लीग और ये पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और कोई आसमान से कोई अचानक कोई बरकत बरसना शुरू हो जाए और अचानक सब कुछ ठीक हो जाए। मैं समझता हूँ we have a problem at our hands, we need to be very careful. आगे there are, वो कहते हैं ना, वो पहाड़ी रास्ते पे जाते हैं ना, आगे लिखा होता है बोर्ड में, लिखा होता है कि भाई आगे रास्ता खराब है, रास्ता थोड़ा खराब नजर आ रहा है। वी शुड ट्राई अवर वेरी बेस्ट कि इलेक्शन डिले ना हो। ये मार्केट में बहुत सी थ्योरी, ये बात सही है, मुझे कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ हम नहीं जाते। इधर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक बहुत अहम केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। वेलकम बैक नाजरीन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके तहत लेबर कवानीन बैनल सूबाई मामला बन गया है और सूबों से निकाल कर उसको फेडरल लिस्ट में डाल दिया गया है। कई लेबर यूनियंस ने इसका खैर मकदम किया है, मगर
कई लॉयर्स के हलकों में इसको 18वीं तरमीम की नफी समझा जा रहा है और ये बहुत अहम मामला है, इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेबल कवानीन को आप निकाल के फेडरल लिस्ट में डाल देंगे तो क्या मामला वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि ये भी एक डिमांड आई हुई है कि 18वीं तरमीम जो है वो सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं हुई और उसके ऊपर भी कुछ कदगन लगाने की बातें भी हो रही हैं। ज़िया साहब, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से लेबर यूनियन खुश हैं, दूसरी तरफ से ये भी डिमांड किया गया था, बाजवा डॉक्ट्रिन में भी ये बात आई थी कि जी 18वीं तरमीम जो है उसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। तो मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ, बाजवा डॉक्ट्रिन में ये नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो बाजवा डॉक्ट्रिन पे नहीं हुई थी, वो हुई थी एक ओपन सेशन हुआ था। यहाँ तक 18th अमेंडमेंट का ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि उसको रोल बैक किया जाए, दे आर डिटरमिंड टू डू इट, और वो कैसे करेंगे वो मेरे ख्याल से बहुत से तरीके उनके पास हैं जिससे वो जिसको इस्तेमाल करेंगे वो। और लेकिन ये मुझे लगता है ये जजमेंट जो आया है इसके सिलसिले में आप लेबर यूनियन से पूछें कि क्यों खुश हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है आई टेंड टू अग्री विद द लॉयर्स कि ये इट कुड बी वन फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रोल बैक ऑफ द 18th अमेंडमेंट। क्यों शाइस्ता साहिबा? चूंकि इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर भी कानून साजी अब हो सकती है, टेररिज्म इश्यूज के ऊपर भी, इंटीरियर के ऊपर भी हो सकती है, दिस कुड बी द बिगिनिंग। देखिए मेरी नाकस राय, मतलब ये वो मैं कहूँगी कि ये हुई थी रेवोल्यूशन इन 2010 में, एंड 8 years हैव पास्ड। अब नाउ इन दीज 8 years लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इश्यूज हैव इमर्ज्ड, यू नो एक प्रोसेस होता है, एक इवॉल्व होती है एक चीज़, उसमें नाउ वी नीड टू, आई पर्सनली फील के वी नीड टू, हमने सबने अग्री करके ये किया था ना सब पार्टीज में, बट नाउ वी नीड टू रिविजिट इट एंड सी कि देखें एक सिस्टम, एक तरीका होता है, एक रेगुलेटरी बॉडी जैसे होती हैं वो फेडरेशन के पास ही होती हैं, एक विजन होता है जो फेडरेशन देती है, एक कोहिजन का एक होता है सिलसिला जो फेडरेशन की अम्ब्रेला के नीचे होता है। आप समझते हैं कि कुछ चीज़ों को चेंज होना चाहिए? देखें इट्स अ प्रोसेस है, ये एक इवॉल्विंग का ये प्रोसेस है कि आप उन चीज़ों को देखें और फिर स्टडी करें। अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? अमेंडमेंट्स यही है ना कि एग्जिस्टिंग उसमें, अब आपने 8 साल यू हैव वर्कड अकॉर्डिंगली, नाउ यू सी कि उसमें ये शॉर्टकमिंग है, ये कमी है, उसको आप अमेंडमेंट्स के लिए अगर चेंज करें तो उससे खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि फेडरेशन को ये पार्लियामेंट कर रहा है, नहीं वो जुडिशरी का तो बिल्कुल ही नहीं है, मगर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है ना जी, ये उनका आप देखें वही वाली बात कि अब हर चीज को अगर हमने अपने डोमेन से बाहर निकल के हिट लगानी है तो फिर बहुत से मसले मसाइल होंगे, लेकिन पॉइंट इज कि दिस नीड्स टू बी रिविजिटेड। ठीक है अली रजा साहब, डू यू अग्री कि दिस नीड्स टू बी रिविजिटेड, क्योंकि आप हमेशा छोटे सूबों के इख्तियार की बात करते हैं, आप सिंध की पार्टी हैं। बिल्कुल, जब भी ये 18th अमेंडमेंट पास हुई थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब पावर्स डेवोल्यूशन की बात आएगी तो वो इफेक्टिव डेवोल्यूशन होगी, लेकिन हमने देख लिया कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ रूलिंग पार्टी जो प्रोविंस की है उसने किस तरह पावर्स को अपने पास रखा, और सारा का सारा इख्तियार और इख्तदार एक पार्टी के पास रहते हुए अपने सोच के हिसाब से उसने उस सूबे को चलाया जिसके बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जैसे 58(2)(b) था वो एक बहुत अच्छा स्टेप था, फिर ये पावर्स का था, प्लस एजुकेशन पे मुझे थोड़ा एतराज़ है कि ये जो पावर्स एजुकेशन का जो सारे सूबों में अलग अलग हमारे लीडर्स हो गए हैं, अलग अलग वहाँ पे ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है और इंग्लिश में भी, तो वो उसमें यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है कि इसको आउटराइट रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरत है, और इसमें करंट जो एक्सपीरियंसेस हैं जैसे शाइस्ता साहिबा ने बोला बिल्कुल सही बात है कि जो एक्सपीरियंसेस कर लिए उसमें से जो अपने शॉर्टकमिंग्स हैं उनको फुलफिल कर लें और एड्रेस कर लें। आई थिंक देयर इज नो नीड टू रिवर्स इट, मगर क्वेश्चन जो सवाल उठा है वो ये है कि उसको रिवर्स कौन करेगा, उसको पार्लियामेंट करेगी या उसको सुप्रीम कोर्ट करेगी? अली मोहम्मद साहब, पार्लियामेंट कोहाट के, आपने कहा पार्लियामेंट करेगी, मगर कोहाट के सेशन जज ने आज एक रेफरेंस दायर कर दिया है चीफ जस्टिस के खिलाफ और उन्होंने कहा कि वो अपने
जो काम है उसे तजावज कर रहे हैं, इस मामले को आप कैसे देखते? क्योंकि अब सिर्फ जो एक क्रिटिसिज्म उठ रही है वो नून लीग की तरफ से नहीं उठ रही, वो अब उनके अपने सफों के अंदर, अपने रैंक्स के अंदर जो लोग हैं वो नाराज हैं, जजेस जो हैं लोअर कोर्ट्स के वो नाराज हैं। पहले मैं 18वीं तरमीम पे एक दो बातें कर लूं। देखें, 18वीं तरमीम उस वक्त एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट थी। आपने पहली दफा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। फेडरेशन मजबूत होती है जब आपके फेडरेटिंग यूनिट्स मजबूत होते हैं। हमेशा से बलोचिस्तान नंबर वन, नंबर टू खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया गया, तो 18वीं तरमीम से उनको थोड़ा सा रिस्पाइट मिला, मौका मिला। लेकिन हैविंग सेड दैट, 18वीं तरमीम जो है, दीज आर नॉट बिब्लिकल वर्ड्स, कोई आसमानी सहीफा नहीं है। दे आर वे मीन्स टू इम्प्रूव द फेडरेशन। उसमें अगर कोई कमजोरी निकलती है उसको ठीक होना चाहिए, एंड आई अग्री विद माई फ्रेंड्स, वो होना चाहिए पार्लियामेंट से, नंबर वन। नंबर टू, स्टैंडिंग कमिटीज में बैठ के, लॉ एंड जस्टिस में बैठ के, कुछ सब कमिटीज की कन्वीनरशिप करके मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है, एंड आई वांट लाइक टू शेयर दैट विद माय फ्रेंड्स और आपके साथ भी। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें 18वीं तरमीम हेल्प करती है, कुछ में 18वीं तरमीम आपके रास्ते में हिंड्रेंस है। नंबर वन, देखें, हमने इवनिंग कोर्ट बिल पास करी कोशिश की लॉ कमेटी से, हमें कहा गया कि सिर्फ आप इस्लामाबाद के लिए कर सकते हैं। अब इवनिंग कोर्ट बिल पास करने का फायदा यह था कि आपका जो बहुत बड़ा बल्क ऑफ केसेस है वो कम हो जाता, बेचारे लिटिगेंट्स को फायदा हो जाता। पांच पांच साल जो केस में लगते हैं सिर्फ सिविल कोर्ट में, वो छह एक महीने में हल हो जाते। अब उसमें हमें कहा गया पूरे मुल्क के लिए नहीं कर सकते। एक और चीज, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका मैं मेंबर हूं स्टैंडिंग कमेटी का, वहां एक इशू आया दो नंबर दूध का, दो नंबर पानी का सारा। उसमें जब लेजिस्लेशन की तरफ गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए कर ही नहीं सकते आप सिर्फ इस्लामाबाद। तो आपका एक लिहाज से 18वीं तरमीम का एक बड़ा बैकड्रॉप ये आया कि आप कमजोरी है कि पार्लियामेंट, असेंबली, कौमी और सेनेट दोनों, उसके एक तरह से आपने कुछ चीजों में मफलूज कर दिया कि आप इस्लामाबाद से बाहर के लिए कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, कोई विजन ही नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बाकी जो उधर ताकत है उसको फेडरेटिंग यूनिट्स के पार्लियामेंट को कम ना किया जाए, रिविजिटेड, और जो जहां तक सेशन जज की आपने बात की है, ठीक है, ज़िया साहब का एक फेयर पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट विजिट करेगी और अगली पार्लियामेंट होगी नए मैंडेट के साथ जो इसको रिविजिट करेगी, और मुझे डर ये है कि जब उन्हें पता चलेगा कि पार्लियामेंट के जरिए नहीं हो पाएगा, पार्लियामेंट के जरिए रोल बैक नहीं हो पाएगा, तो वो जुडिशरी को इस्तेमाल करेंगे, मुझे डर ही है। और हमने देखा है कि जो रूलिंग आई है वो जुडिशरी के जरिए ही आई है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही आई है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ खादिम हुसैन रिजवी के हवाले से, क्योंकि बहुत सा मुतालबा भी हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किए। कल हमने ISPR DG मेजर जनरल आसिफ गफूर का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि उनको अरेस्ट करें। क्या वजह है कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे? देखिए मुनीजा, आई विल टेक यू बैक, जब फैज़ाबाद में ये बैठे हुए थे उस वक्त भी आपने देखा क्या सिचुएशन बनी थी, और अब भी मैं आपको बताऊं कि वो ऐसी जगह बैठे हैं इस वक्त दाता दरबार पे जहां बहुत से लोग इर्द गिर्द उनके हैं, और हम कोई ऐसी सिचुएशन, ऑफकोर्स इट्स गवर्नमेंट का ही काम है इसको हैंडल करना, लेकिन पहले भी आपने देखा किस तरह हुआ और कौन लोग इनमें इन्वॉल्व हुए आके, और किन लोगों ने बीच में जमानती बने और क्या क्या हुआ। तो वो अरेस्ट उनको किया जाएगा? अरेस्ट बिल्कुल, लेकिन अगर वो जिस जगह पे बैठे हैं उस पे भी डिपेंड करता है ना, और जो उनके जामिन थे उनसे भी तो पूछा जाए ना कि वो पहले क्या हुआ। देखें, गवर्नमेंट को ऑल द टाइम कॉर्नर करना एंड ऐसी सिचुएशंस क्रिएट, आई शुड से करनी या जो भी है, वो दे बिकम डिफ़िकल्ट। इसमें मॉडल टाउन का सानहा हुआ और लोग इन्वॉल्व थे, अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की क्या हुआ, अब इनको अरेस्ट करते हैं, वो ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे इतनी दुनिया है इर्द गिर्द के, किस तरह उसको हैंडल किया जाए, तो ये है जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। लेकिन आई वुड लाइक टू से हियर कि जो जामिन बने थे पहले, जो पहले जामिन बन के आए थे जिनके सिग्नेचर्स थे, वो सब अब कहाँ हैं? बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज साहिबा, ज़ियाउद्दीन साहब, अली मोहम्मद खान साहब और अली रज़ा आबदी साहब। तो कम अज़ कम यहाँ पे सबकी मुतफक्का राय ये है कि आगे का जो वक्त है वो मुश्किल है, हर हालत में इलेक्शंस को अपने वक्त पे होना चाहिए, और अगर 18वीं तरमीम के अंदर कोई तरमीम करनी है तो फिर पार्लियामेंट को करना चाहिए, ना कि अदालतों को। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।